दोस्तों जैसा कि ट्रैवल चीफ रोमन एक्स का आखिरी मैच हम सबने रेसलमेनिया 39 में देखा था, जहां पर उन्होंने अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को हराकर रिटेन किए थे अपनी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप। लेकिन उसके बाद से फैंस यही जानना चाहते हैं कि रोमन एक्स का नेक्स्ट मैच कब होगा और किसके साथ होगा। तो दोस्तों इससे रिलेटेड काफी बड़ी अपडेट निकल कर आई है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो का अंत तक बने रहे। दोस्तों हम सब जानते हैं कि हमारे ट्रैवल चीफ रोमन एक्स का भी मैच रेसल करते हैं, लेकिन हाँ वो जब भी रेसल करते हैं तो वो स्पेशल रहता है और बैकलैश के पेपर व्यू में तो वो हमें देखने को नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों बैकलैश के बाद का इवेंट जो होने वाला है नाइट ऑफ चैंपियंस, वहां पर रोमन रेंस हम सबको अपने अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए दिखने वाले हैं, यानी कि सऊदी के इवेंट में रोमन रेंस डेफिनेटली से पार्ट होने वाले हैं। और दोस्तों रोमन रेंस को जो फेस कर सकते हैं नाइट ऑफ चैंपियंस में, उसमें दो सुपरस्टार का नाम आ रहा है सामने। सबसे पहले है बॉबी लेस्ली, वही सेकंड है ओमास। और दोस्तों बॉबी लेस्ली स्मैकडाउन में ड्राफ्ट हो चुके हैं और स्मैकडाउन में ड्राफ्ट होते ही बॉबी लेस्ली ने रोमन रेंस को कर दिया है टारगेट अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू। वही दोस्तों बात रही ओमास की, तो दोस्तों आप सबको पता है कि नाइट ऑफ चैंपियंस जो होने वाला है सऊदी में, जहां पर काफी अलग अलग टाइप के मैचेस होते हैं, यानी जो देखने में बड़ा लगे। और दोस्तों ओमास को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फ्री एजेंट बना दिया है, यानी कि वो स्मैकडाउन में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों ये बात डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी डेफिनेटली से सोच कर रखा है, यानी कि वो ओमास वर्सेस रोमन रेंस का मैच करवाना चाहती है। शायद से वो किसी और स्टेज पर भी हो सकता है, लेकिन नाइट ऑफ चैंपियंस में होने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि रोमन रेंस नाइट ऑफ चैंपियंस में कंप्लीट करने वाले हैं 1000 डे एज अ यूनिवर्सल चैंपियन। और अगर वह किसी जायंट को हराकर 1000 डे कंप्लीट करते हैं तो वह देखने में काफी बड़ा लगेगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप रोमन रेंस का मैच किस सुपरस्टार के साथ देखना चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।